दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्यूटी विवेक ग्रेट ब्लॉग पर। दोस्तों अभी हम दीघा आए हुए हैं और ये दीघा का न्यू दीघा का घाट है, ये देख रहे हैं बगल में समुद्र का घाट है। और अभी हम सुबह सुबह हम लोग एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, काफ़ी खुशनुमा माहौल चारों तरफ नजर आ रहा है। देख रहे हैं किस तरीके से समुद्र की लहरें एक दूसरे को छूते हुए गुजर रही है। तो साथियों, हम लोग अपने दोस्तों के संग दीघा कोलकाता आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए समुद्र के जो किनारा होता है वहाँ पर आए, तो देखे कि काफ़ी यहाँ पर सैलानियों की भीड़ लगी हुई है। जैसा कि आप लोग देखेंगे भी, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर समुद्र का नज़ारा देखने के लिए आते हैं, लहरें देखने के लिए आते हैं, ऊँची ऊँची लहरें देखने के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, दोनों तरफ काफ़ी बड़ा बड़ा बोल्डर लगाया गया है, जो कि यहाँ समुद्र में स्नान करने में उतना मज़ा नहीं आता है जितना कि और जगह पे आता है। जैसे पुरी में मैं गया था तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी बालू के रेत पे नहाने में एंजॉय किए थे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों नहाने का उतना मज़ा समुद्र में नहीं आता है। हालांकि लहरें जो है सुबह में काफ़ी लंबी लंबी ऊँची ऊँची उठ रही थी और लोग दूर से ही समुद्र का नज़ारा देख रहे थे, समुद्र का जो लहरों का नज़ारा था वो देख रहे थे। मैं आप लोगों को अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं कि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर सैलानी लोग जो होते हैं घूमने के लिए आते हैं और दीघा भी काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। यहाँ पर एक बहुत अच्छा पार्क है, ध्रुव सागर पार्क, वो भी काफ़ी अच्छी पार्क है, जिसका मैं वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप लोग चाहे तो वहां से जा कर के देख सकते हैं, और नहीं तो दोस्तों इस वीडियो के आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से भी उस पार्क का नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत वो पार्क है। यहां पर दोस्तों दीघा घाट के किनारे में जो समुद्र का पानी है वो काफ़ी गंदा दिखाई देता है, इस कारण से लोग बहुत कम यहाँ पर स्नान करते हैं। हालाँकि आगे भी एक और घाट है, उस घाट पर भी लोग बैठ कर के समुद्र का जो ऊंची ऊंची लहरें उठती है तो वहाँ पर कुछ लोग नहाए होते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस जगह पर आप लोग देख रहे हैं कि बहुत कम लोग यहाँ पर नहाते हुए दिखते हैं, क्योंकि शायद यहाँ पर कुछ गहराई ज़्यादा रहने के कारण लोग नहीं नहा पाते हैं। कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएं घटित हो चुकी है, इसलिए लोग उतना नहाना पसंद यहाँ पर नहीं करते हैं। फिर भी कुछ साहसी लोग जो हैं यहाँ पर नहाते हुए आप लोगों को दिख जाएंगे, जो कि मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। काफ़ी अच्छा ये शहर है दीघा, लगभग कलकत्ता से 250-300 किलोमीटर की दूरी पर ये शहर है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ वीडियोज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।